हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका आठवां बाब पहली तीन आयात। उन दिनों में यीशु शहर शहर और गांव गांव जाकर वास करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी देता था, और वो बारह उसके साथ थे और कई औरतें भी जो बदरूहों और बीमारियों से शिफा याब हुई थीं, यानी मरियम जो मजदली कहलाती है, जिसमें से सात बदरूहें निकली थीं, और हन्ना हेरोदेस के दीवान पूजा की बीवी, और सोसन और बतेरी और भी जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थीं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। असीस दोस्तों, आज के कलाम में सादा और मामूली सा बयान है कि यीशु और उसके शागिर्द शहर शहर और गांव गांव खुशखबरी सुनाते फिरते थे। जब यीशु खुदा की बादशाही की मुनादी करता और लोगों की खिदमत करता था, तो वो औरतें भी उसकी खिदमत करती थीं जिनको उसके वसीले से बरकत मिली थी। गालिबन वो उसके क़याम और खाने पीने का इंतज़ाम करती थीं। यानी एक औरत मरियम नाम की थी, यानी जिसे मरियम मजदली कहा जाता है, जिसे खुदावंद ने मौजज़ाना तौर पर सात बदरूहों से रिहाई दिलाई थी। और फिर हन्ना हेरोदेस के दीवान कूजा की बीवी, और इसके अलावा सोसन और बहुत सारी और औरतें भी थीं जो खुदावन की खिदमत करने वालियों में शामिल थीं। उनकी खिदमत और खुदावन के साथ उसने सलूक को तस्लीम किया गया और किताब मुकद्दस में कलमबंद किया गया है। उनके ख्वाबो ख्याल में भी ना था कि हम जो यीशु को अपनी चीज़ों में शरीक कर रही हैं, हर ज़माने के मसीही हमारी मेहमान नवाजी और फराग दिली के बारे में जानेंगे। पैगंबर रेडियो वेरिटास एशिया।